रतलाम पुलिस ने अवैध हथियारों के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी का नाम कैलाश चंद्र है, जो मंदसौर जिले के लसुडिया का रहने वाला है और वर्तमान में गांव का सरपंच भी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरपंच कैलाश चंद्र गंधवानी के एक सिकलीगर से ये हथियार खरीदा था और फिर उन्हें ज्यादा दामों में बेचता था। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा अपराध भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल सैलाना बांसवाड़ा हाईवे पे नाकाबंदी की और उसमें उनको सफलता मिली। जो कैलाश चंद्र नामक व्यक्ति है, उसके वो फोर व्हीलर वाहन पे सवार था अकेला और उसकी तलाशी लेते उसके पास से 4 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 राउंड जब्त किया है थाना प्रभारी ने और उसके खिलाफ धारा 25-27 आम सेट का थाना सर्वर ने पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम पुलिस ने अवैध हथियारों के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी का नाम कैलाश चंद्र है, जो मंदसौर जिले के लसुडिया का रहने वाला है और वर्तमान में गांव का सरपंच भी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरपंच कैलाश चंद्र गंधवानी के एक सिकलीगर से ये हथियार खरीदा था और फिर उन्हें ज्यादा दामों में बेचता था। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा अपराध भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल सैलाना बांसवाड़ा हाईवे पे नाकाबंदी की और उसमें उनको सफलता मिली। जो कैलाश चंद्र नामक व्यक्ति है, उसके वो फोर व्हीलर वाहन पे सवार था अकेला और उसकी तलाशी लेते उसके पास से 4 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 राउंड जब्त किया है थाना प्रभारी ने और उसके खिलाफ धारा 25-27 आम सेट का थाना सर्वर ने पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम पुलिस ने अवैध हथियारों के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी का नाम कैलाश चंद्र है, जो मंदसौर जिले के लसुडिया का रहने वाला है और वर्तमान में गांव का सरपंच भी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरपंच कैलाश चंद्र गंधवानी के एक सिकलीगर से ये हथियार खरीदा था और फिर उन्हें ज्यादा दामों में बेचता था। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा अपराध भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल सैलाना बांसवाड़ा हाईवे पे नाकाबंदी की और उसमें उनको सफलता मिली। जो कैलाश चंद्र नामक व्यक्ति है, उसके वो फोर व्हीलर वाहन पे सवार था अकेला और उसकी तलाशी लेते उसके पास से 4 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 राउंड जब्त किया है थाना प्रभारी ने और उसके खिलाफ धारा 25-27 आम सेट का थाना सर्वर ने पंजीबद्ध किया गया है।